हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप हो विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है यूजर का एंड सेकंड मेरे पास टेबल है हॉबीज का यूजर के टेबल में मेरे पास एक यूजर है आमिर जिसकी हॉबीज है मल्टीपल लाइक क्रिकेट लाइक मूवी एंड जिम तो मेरे पास एक यूजर है जिसकी मल्टीपल हॉबीज हैं जिम क्रिकेट एंड मूवी इसी तरह से मेरे पास सेकंड यूजर है अदील, जिसकी हॉबी है जस्ट वन विच इज क्रिकेट तो मेरे पास एक यूजर हुआ आमिर जिसकी मल्टीपल हॉबीज हुई इसी तरह से मेरी ए, मेरे पास एक हॉबी है क्रिकेट जो कि मल्टीपल यूजर्स की हॉबी है इसी तरह से इस टाइप के रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं तो इस रिलेशनशिप को स्प्रिंग बूट में कैसे क्रिएट करते हैं आइए अंडरस्टैंड करेंगे

यूजर क्लास के ऊपर हम एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे एट दी रेट एंटिटी एंड कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे जैसे कि आईडी प्राइवेट लॉन्ग आईडी प्राइमरी की की एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे विच इज़ एट द रेट आईडी उसके अलावा प्राइमरी की हम ऑटो जनरेट करेंगे उसके लिए एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे एट दी रेट जनरेटेड वैल्यू Strategy equals generation type identity सेकेंड हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम इन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी करेंगे जाएंगे अपने हॉबी क्लास के अंदर यहाँ पे क्लास के ऊपर हम एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे एट दी रेट एंटिटी एंड अपनी प्रॉपर्टीज जो कि हमने यूज़र से कॉपी करी थी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे मैं यूज़र नेम को रीनेम करूँगा एंड नेम प्रोवाइड करूँगा हॉबी नेम, नेम। डेटाबेस में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई टेबल अवेलेबल है तो हमारे पास कोई टेबल अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं तो एप्लीकेशन मेरे पास सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है जाएंगे हम अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हम डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास दो टेबल्स विजिबल हो जाएंगी हॉबी एंड यूजर अब इनके दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे विच इज मैनी टू मैनी तो सबसे पहले मैं यूजर टेबल के पास जाऊंगा यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा हॉबी के लिए तो प्राइवेट सेट हॉबी हॉबीज इक्वल्स न्यू हैश सेट इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एनोटेशन प्रोवाइड करूंगा एट दी रेट मैनी टू मैनी सेकंड एनोटेशन प्रोवाइड करूंगा टू क्रिएट थर्ड टेबल फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप उसके लिए मेरे पास एनोटेशन है एट दी रेट ज्वाइन टेबल ब्रैकेट नेम एंड नेम ऑफ द टेबल तो मैं टेबल का नेम रखूंगा यूजर हॉबी इसी तरह से मैं जाऊंगा हॉबी के एंटिटी के अंदर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा प्राइवेट सेट यूजर यूजर्स इक्वल्स न्यू हैश सेट इसके ऊपर मैं एनोटेशन प्रोवाइड एट दी रेट मैनी टू मैनी गेटर सेटस क्रिएट करेंगे गेटर सेटस क्रिएट करेंगे अल्ट इंसर्ट गेटर सेटर्स इसी तरह से यूजर एडेंटिटी के अंदर गेटर सेटस क्रिएट करेंगे अल्ट इंसर्ट गेटर सेटर्स एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारे पास थर्ड टेबल अवेलेबल है एंड किस नाम से है तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है जाएंगे हम अपने डेटाबेस के पास एंड यहाँ पे अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास दो और टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं हॉबी यूजर्स एंड यूजर हॉबी जबकि हमारे पास एक टेबल क्रिएट होनी चाहिए थी तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ डेटाबेस में से टेबल्स क्रिएट करूंगा एम टी डेटाबेस मेरे डेटाबेस में इस वक्त कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है एंड मैं जाऊंगा अपने हॉबी क्लास के अंदर हॉबी इंटिटी के अंदर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस रिलेशनशिप को आप मैप करें इस रिलेशनशिप से तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा मैप्ड बाय हॉबीज एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली स्टार्टेड जाएंगे हम अपने डेटाबेस की तरफ यहाँ पे अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास अब तीन टेबल्स हैं होबी यूजर एंड यूजर होबी हम अपने टेबल्स में डेटा इंसर्ट करेंगे उसके लिए मैं जाऊँगा इस पैकेज के ऊपर यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूंगा कंट्रोलर के नाम से एंड इसके अंदर एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा मेन कंट्रोलर एंड इस कंट्रोलर के ऊपर मैं एक अनोटेशन प्रोवाइड करूंगा एट दी रेट रेस्ट कंट्रोलर एंड इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक यूजर फाइंड यूजर बाय आईडी डी ये मेथड होगा ऑफ टाइप गेट मैपिंग एंड इस मेथड का नाम होगा यूजर एंड इस मेथड को मैं प्रोवाइड करूंगा यूजर आईडी इस मेथड फाइंड बा यूजर आईडी के अंदर पैरामीटर्स क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग आईडी एंड इसको एनोटेशन प्रोवाइड करूँगा एट दी रेट पाथ वेरिएबल नेम आईडी इस आईडी को यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स से कट करके पेस्ट करूँगा इस डबल कोटेशन के अंदर पैकेज के ऊपर जाऊँगा यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा रिपो एंड इस रिपोजिट्री के अंदर मैं दो रिपोजिट्रीज क्रिएट करूंगा यहाँ से मैं इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा यूजर रिपो एंड सेकंड में क्रिएट करूँगा रिपोजिटरी होबी रिपो रिपोजिटरी को एक्सटेंड करूँगा एक्सटेंड्स जे पी ए रिपोजिट्री यहाँ पे एंटिटी टाइप डिफाइन करूँगा विच इज होबी एंड मेरे पास के अंदर जो आई डी का टाइप है इट इज लॉन्ग यहाँ इंटरफेस के ऊपर एनोटेशन प्रोवाइड करूंगा एट दी रेट रिपोजिट्री ये एनोटेशन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जाऊँगा यूजर रिपोजिट्री के पास यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा अगेन एक्सटेंड करेंगे जे पी ए रिपोजिट्री एंड यहाँ पे मैं एंटिटी टाइप डिफाइन करूंगा विच इज़ यूजर एंड इसके अंदर जो मेरे पास आई डी टाइप है इट इज लॉन्ग जाऊंगा मैं अपने कंट्रोलर के पास यहाँ पे मैं अपने यूजर रिपोजिट्री को ऑटो वायर करूँगा उसके लिए एट दी रेट ऑटो ऑटो वायर्ड एंड प्राइवेट यूजर रिपो यूजर रिपोर्ट मेथड के अंदर आएंगे रिटर्न करवाएंगे यूजर रिपो डॉट फाइंड बाय आईडी एंड यहां से हम आईडी प्रोवाइड करेंगे आईडी का टाइप चेंज करेंगे लॉन्ग डॉट गेट उसके अलावा एक और मेथड क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र एंड हॉबीज़ को सेव करेगा उसके लिए मैं इस मेथड को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा यहाँ पे हम जो यूज़र को आईडी पास करेंगे वो मैं रिमूव कर दूंगा मेथड का नेम चेंज करेंगे सेव यूज़र एंड हॉबीज यहाँ पे मैं यूजर रिटर्न करवाऊंगा एंड यहाँ पे जाऊँगा हॉबी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा हॉबी हॉबी इक्वल्स न्यू हॉबी हॉबी डॉट सेट हॉबी नेम क्रिकेट दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा हॉबी वन हॉबी वन सेकेंड मेरे पास हॉबी होगी मूवीज़ थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट नेम होगा हॉबी टू एंड थर्ड मेरे पास हॉबी होगी फुटबॉल हॉबीज़ को मैं हॉबीज़ के टेबल में सेव करवाऊंगा इस इसके लिए हॉबी की रिपोजिटरी को ऑटो वायर करूँगा एट दी रेट ऑटो प्राइवेट हॉबी रिपो हॉबी रिपो एंड यहाँ पे आऊँगा मैं हॉबी रिपो डॉट सेव, सेव करवाऊँगा यहाँ पे मैं आऊँगा हॉबी वन सेव करवाऊंगा एंड यहाँ पे मैं हॉबी टू सेव करवाऊंगा उसके बाद में आऊंगा यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यूज़र यूज़र इक्वल्स न्यू यूज़र यूज़र डॉट सेट यूज़र नेम आमिर एक यूजर का सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यूजर टू यूजर टू एंड यूजर वन एंड यूजर टू को टेबल में सेव करवाऊंगा यूजर पॉक का कॉल करूंगा एंड सेव यूजर अगेन यूजर टू को सेव करवाऊंगा यूजर रिपोर्ट डॉट सेव यूज़र टू यूज़र टू का मैं यूज़र नेम चेंज करूँगा यहाँ पे दूंगा शायान एंड उसके अलावा यूज़र वन को मैं हॉबीज़ असाइन करूँगा यूज़र वन डॉट गेट हॉबीज़ डॉट एड इसको मैं हॉबी असाइन करूँगा क्रिकेट एंड सेकंड हॉबी असाइन करूंगा. डॉट गेट हॉबीज डॉट एड मूवी यहाँ से हम हॉबीज़ के ऑब्जेक्ट के नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इस हॉबी का नेम मैं मूवी रख सकता हूँ इस हॉबी का नेम मैं क्रिकेट रख सकता हूँ एंड इस हॉबी का नेम मैं फ़ुटबॉल रख सकता हूँ लेकिन क्योंकि हमने इस कन्वेंशन को पहले फॉलो नहीं किया तो हम मैं इसको एज एट इज रख रहा हूँ तो जब मैं यहाँ से यूज़र को सेव करूँगा तो इस यूज़र आमिर के अगेंस्ट यूज़र हॉबी के टेबल में मेरे पास क्रिकेट एंड मूवीज़ सेव हो जाएंगी इसी तरह से अगर मैं यूज़र टू को असाइन करूँगा फ़ुटबॉल तो उसके लिए क्या करूँगा यूज़र टू डॉट गेट हॉबीज डॉट एड एंड हॉबी टू यहाँ से मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवाऊँगा स्ट्रिंग हाँ यहाँ से हम इसको मैसेज देंगे डेटा सेव्ड एप्लीकेशन को रन करेंगे जब तक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैंने इस मेथड में क्या किया है मैंने तीन हॉबीज़ क्रिएट की हैं जिसमें से दो हॉबीज़ मैंने असाइन की हैं इस यूज़र आमिर को उसके अलावा मेरे पास जो थर्ड हॉबी है वो मैंने असाइन की है इस यूज़र शायन को तो मेरे पास जो टेबल में डेटा सेव होगी इस यूज़र हॉबी के अंदर यहाँ पे मेरे पास होगी यूज़र आईडी ऑफ आमिर विच विल बी वन आई थिंक एंड उसके अगेंस्ट जो उसकी हॉबीज़ की आईडीज़ होंगी उसके बाद मेरे पास सेकंड यूज़र होगा जिसकी आईडी होगी आई थिंक टू उसके अगेंस्ट जो मेरे पास हॉबी हो होगी विच इज़ आई थिंक फुटबॉल जिसकी आईडी होगी थ्री तो इस तरह से यूज़र हॉबी के टेबल में मेरे पास डेटा होगा एंड हॉबी के टेबल में मेरे पास तीन हॉबी होंगी क्रिकेट मूवी एंड फ़ुटबॉल इसी तरह से यूज़र के टेबल में मेरे पास दो यूज़र्स होंगे तो वेट करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो एप्लीकेशन मेरे पास सक्सेसफुली इस्टार्ट हो चुकी है तो अब मैं जाऊँगा अपने पोस्टमैन की तरफ यहाँ पर मैं अपने सेव यूज़र एंड Hobbies के मेथड को कॉल करूँगा यहाँ से एंड पॉइंट नेम कॉपी करूँगा लोकल होस्ट एट ज़ीरोट जीरो यहाँ से मैंने मेथड टाइप गेट सेलेक्ट किया है यहाँ पे मैं एंड पॉइंट का नेम लिख के हिट करूँगा तो हम देखेंगे कि डेटा में, में मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो कुछ इस तरह से होगा तो हॉबी के टेबल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन हॉबीज़ आ रही हैं क्रिकेट मूवीज़ एंड फुटबॉल यूज़र के टेबल में मेरे पास दो यूज़र्स आ रहे हैं एंड यूज़र हॉबी के टेबल में मेरे पास यूज़र आमिर की आईडी आ रही है विच इज़ वन अगेन वन एंड उसकी जो तो हॉबीज़ हमने असाइन की थी एंड मेरे पास सेकंड यूज़र है शायन उसके और जो मैंने हॉबी असाइन की थी थर्ड वो आ रही है अब इनको हम गेट करेंगे तो उसके लिए मैं पोस्टमैन में जाऊँगा यूज़र यूज़र के बाद मैं यूज़र की आई डी दूँगा विच इज़ वन फार आमिर अब इसको मैं सेंड करूँगा तो मुझे यूज़र एंड उसकी हॉबीज़ यहाँ रेस्पॉन्स में दिखनी चाहिए तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है कुछ सर्कुलर फॉर्म में वो इसलिए है क्योंकि मैंने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया है एंड मैंने मैनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया है तो इस वजह से मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में डेटा रिटर्न हो रहा है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा हॉबी के टेबल में यहाँ पे एक एनोटेशन यूज़ करूँगा जैसन इग्नोर तो एप्लीकेशन को री रन करते हैं तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है जाएंगे पोस्टमैन की तरफ यहाँ से मैं अगेन हेड दूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो डेटा आ रहा होगा वो यूज़र एंड उसकी आईडी एंड उस यूज़र की हॉबीज इसी तरह से अगर मैं आईडी डी टू दूँगा तो मेरे पास यूज़र टू की हॉबी एंड यूज़र नेम आ रहा होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया होगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे आस्क कर सकते हैं मैं आपको इमीजिएट रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए टेक केयर खुदा हाफिज़